भंडारे में जो काले चने का प्रसाद मिलता है, हम कितनी ही कोशिश कर ले घर पे नहीं बन पाता है ऐसा। कई बार तो चने कच्चे रह जाते हैं या फिर मसाले अलग रहते हैं और चने अलग रहते हैं, बिल्कुल लटपटे नहीं होते हैं मसालों के साथ चने। तो मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करके बनाना फ्रेंड्स, आपके काले चने एकदम परफेक्ट बनेंगे। देख कर या फिर खा के कोई बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि ये जो चने हैं आपने घर पर ही बनाए हैं। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना, और अगर आपको ऐसी ही सिंपल रेसिपी पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो काले चने का प्रसाद बनाने के लिए हमें लेने हैं 1 कप चने, और उनको हमें करीबन 8 से 10 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। मैंने यहाँ पूरी रात के लिए भिगो कर रखा था, और आप देख सकते हैं चने बहुत अच्छे से यहाँ फूल गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, चनों को हमें बहुत अच्छे से भिगो कर रखना है 8-10 घंटे। तो बिल्कुल आपने आराम से इनको भिगोना है, तो ही जो हमारे काले चने का प्रसाद है वो बढ़िया बन के तैयार होगा। अब जो इसका पानी है उसको हम निकाल लेंगे, उसके बाद इन चनों को हम कुकर में डाल देंगे। साथ में ही 1 कप चना लिया था उसके हिसाब से 2.5 से 3 कप हम पानी डाल देंगे, या फिर पानी बिल्कुल सिंपल इतना डालना है कि जो आपके चने हैं वो पूरी तरीके से डूब जाएं। हमें कोई ग्रेवी नहीं बनानी है, बस यहाँ चनों को उबालने के लिए यूज़ करना है, और साथ में ही थोड़ा सा पानी बच भी जाना चाहिए, उसे हम आगे यूज़ करेंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे बस। इसके बाद इसको ढक्कन लगाएंगे और मीडियम आँच पर इसमें 5 सीटी आने देंगे। 5 सीटी आने के बाद जो इसका प्रेशर है वो अपने आप हमें रिलीज होने देना है, उसके बाद ही इसका ढक्कन खोलना है। यहाँ कुकर का जो प्रेशर है वो रिलीज हो गया, और आप देख सकते हैं 5 सीटी के बाद जो ये चने ना बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, मैशी नहीं हुए हैं पर बहुत अच्छे से यहाँ पक गए हैं। तो 5 सीटी में फ्रेंड्स कुक हो जाते हैं। फिर भी अगर आपके जो चने हैं वो अच्छे से कुक नहीं हुए हैं तो आप यहाँ 1 आधी सीटी और इसमें लगा सकते हैं। अब जो इसका पानी है वो हम अलग कर लेंगे और चनों को अलग कर लेंगे। अब इसके बाद हम एक पेस्ट बनाएंगे जिससे हमारे काले चने का टेक्स्चर, लुक और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे भंडारे में मिलने वाले चने का होता है। तो उसके लिए हम जार लेंगे और इसके अंदर हम करीबन 5 से 6 भीगी हुई कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। मैंने यहाँ कश्मीरी मिर्च को 10-15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था जिससे ये सॉफ्ट हो गए हैं, ताकि इनको पीसना थोड़ा सा ईजी हो जाए यहाँ पर। अगर आपके पास साबुत मिर्च नहीं है तो आप यहाँ जो कश्मीरी मिर्च का पाउडर होता है वो भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस कश्मीरी मिर्च से जो कलर होता है वो थोड़ा सा और बढ़िया आता है। अब कश्मीरी मिर्च डालने के साथ ही इसमें 2 स्मॉल साइज़ की हरी मिर्ची डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च ऐड कर देंगे। तो लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा डाल लें। अगर आपको प्रसाद में बहुत कम तीखा डालना पसंद है तो आप यहाँ 1/2 छोटी चम्मच भी तीखी मिर्च डाल सकते हैं। साथ में 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास साबुत वाली काली मिर्च हो तो आप वो इसमें ऐड करना, उसका जो फ्लेवर होता है वो ज़्यादा बढ़िया आता है पाउडर के मुकाबले। 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब 3 छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर। साथ में ही 2 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर ऐड करेंगे। आमचूर पाउडर से हल्की सी खटास आएगी जो कि बहुत बढ़िया लगती है खाने में। आपके पास अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप अनारदाना भी डाल सकते हैं। और 1/2 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे। तो फ्रेंड्स काला नमक आपने ज़रूर ऐड करना है इस प्रसाद में, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है काले चने के अंदर इसका। और साथ में ही इसमें डालेंगे 1/4 कप उबले हुए चने जो अभी हमने उबाल के रखे हुए हैं। इन चनों से बहुत ही बढ़िया ये पेस्ट बन के तैयार होगा जिससे चनों के ऊपर बहुत अच्छी कोटिंग आती है, तो ये आपने ज़रूर ऐड करने हैं। इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे करीबन 2-3 टेबलस्पून पानी। तो सिंपल ये जो हमने चनों को उबालने के लिए जो पानी यूज़ किया था ना वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। बस अब ढक्कन लगा के इसको अच्छे से पीस लेंगे। पीसते समय अगर आपको ज़रूरत लगे थोड़ा बहुत पानी डालने की तो आप यहाँ और पानी ऐड कर सकते हैं। तो बस देखिए पीसने के बाद जो ये पेस्ट है इस तरीके का हमें रेडी करना है। अब इसके बाद हम आँच पे कढ़ाई रखेंगे। तो फ्रेंड्स काले चने बनाने के लिए हो सके तो आप लोहे की कढ़ाई लेना, उसमें कलर बहुत बढ़िया आता है। अगर नहीं है तो सिंपल आपके पास जो भी कढ़ाई हो आप उसमें बना सकते हैं। अब इसके अंदर करीबन 2 टेबलस्पून हम डाल देंगे देसी घी। प्रसाद बना रहे हैं फ्रेंड्स तो घी के साथ इसका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा बढ़िया आता है। वैसे आप यहाँ पर कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब जब ये घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे पेस्ट जो अभी हमने तैयार किया हुआ है।
पेस्ट को डालने के बाद अब इसे अच्छे से हमें पकाना है, तो ये पेस्ट चले नहीं, इसके लिए इसमें करीबन 2-3 टेबलस्पून हम पानी ऐड कर देंगे। तो जो हमने चनों को उबालते हुए पानी यूज़ किया है ना फ्रेंड्स, वही पानी हमें यहाँ पर लेना है। अब पानी को डालने के बाद पहले हम अच्छे से इसको थोड़ा सा मतलब चलाते हुए पकाएंगे, उसके बाद इसको हम ढक कर धीमी आंच पर पकाएंगे जब तक कि मसाले अच्छे से कुक नहीं हो जाते। बीच बीच में कुछ सेकंड के गैप में आपने इसको चलाते ज़रूर रहना है ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो करीबन 2-3 मिनट इन्हें पकाने के बाद आप देख सकते हैं मसाले बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे कुक हो गए हैं, घी को इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम डाल देंगे उबले हुए चने और चनों को अच्छे से मसालों के साथ हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब चनों को हमें थोड़ा सा मसालों के साथ पकाना है, तो उसके लिए हम इसमें करीबन 1/2 कप के आसपास पानी डाल देंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले भी नहीं और चने बहुत अच्छे से मसालों के साथ कुक भी हो जाएं। बस अब इसको हम ढक्कन लगाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 8-10 मिनट के लिए पका लेंगे। जब आपको ऐसा लगे कि जो पानी है इसके अंदर का ख़त्म हो गया है, तो आप आँच को बिल्कुल धीमे पर रखें और उसके बाद आप इसे पकाएं 2-3 मिनट और। बीच बीच में आप थोड़ा बहुत इन्हें चलाते ज़रूर रहना ताकि जो मसाले वगैरह हैं और चने हैं जले नहीं। जब आपको लगे कि जो इसका पानी है वो सूख गया है, उसके बाद आपने आंच को बिल्कुल धीमे पे रखना है और धीमी आंच पे इसको करीबन 3-4 मिनट पकने देना है। तो टोटल हमें 10-12 मिनट लग जाएगी चनों को पकाने में। और 10 मिनट के बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं चने बहुत अच्छे से यहाँ पे कुक हो गए हैं। आप देखिए लोहे की कढ़ाई मैंने यूज़ किया, उसकी वजह से इसमें कितना बढ़िया कलर आया और मसालों की कोटिंग आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट चनों के ऊपर आई है। अब लास्ट में थोड़ा सा नमक इसमें हम ऐड कर देंगे। नमक हमने चनों को उबालते समय भी यूज़ किया था, तो इसलिए पेस्ट बनाते हुए हमने वाइट नमक जो है सादा नमक यूज़ नहीं किया है, तो अभी यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देंगे। अब साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, आप चाहें तो यहाँ गरम मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आँच को अभी हम बंद कर देंगे और ये हमारे भंडारे वाले काले चने का जो प्रसाद है बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल चने अलग और मसाले अलग नहीं है, बहुत अच्छे से मसालों की कोटिंग हुई है, बहुत बढ़िया इसमें कलर आया है। तो इस तरीके से आप इनको इस अष्टमी नवमी पे ज़रूर बनाना भाई। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपको ये अच्छी लगी कि नहीं, और साथ में ही इसको आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही सिंपल रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।